पटना में तैयारी करने के लिए हर साल बहुत सारे जेईई नीट के स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स की हम आज बात करने वाले हैं जिनके 11th ख़राब हो गए हैं। 11th ख़राब होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने के लिए भी आते हैं तो वो बहुत लेट से आते हैं, लाइक जुलाई अगस्त से आते हैं, तो थोड़ा सा उनका सिलेबस पर ड्यू रह जाता है, बहुत सारे बैकलॉग हो जाते हैं जिस वजह से 11th ख़राब हो जाता है, या फिर वो गांव में अपनी पढ़ाई कर रहे हो और उस तरीके का उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है जैसा कि जेईई नीट में रिक्वायर्ड होता है। सो, अभी हम मोशन पटना आए हैं ये जानने के लिए कि वैसा कुछ बैच वो लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं, जहां पे वो उन स्टूडेंट्स की भी बात की जाए, उन स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कराया जाए जिनका 11th ख़राब हो गया है। बाकी चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि उस तरीके का बैच आपके लिए स्टार्ट होने वाला है कि नहीं। कैसे प्लानिंग चल रही है वो भी देख लेते हैं। पूरा टीम सर, पूरा टीम एकदम हाई लेवल, किस चीज़ की मीटिंग चल रही है सर? सर, ये मीटिंग चल रही है आपके इंथूज बैच के लिए। अच्छा, वैसे बच्चे जिनका 11th बर्बाद हो गया है। अच्छा, माने वैसे बच्चे जिनका 11th बर्बाद होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। okay. हो सकता है किसी बच्चे ने अपने 11th की तैयारी शुरू ही नहीं की हो, वो स्कूलिंग करते रह गए। हो सकता है मैंने शुरू तो किया लेकिन अच्छे कोचिंग नहीं पकड़ पाया, मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन में पढ़ता रह गया। अच्छा, मेरे को अच्छा कोचिंग नहीं मिला। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होता है कि जैसे 6 से 7 जो गए, 7 से 8 गए, 8 से 9 गए, 9 से 10th गए, तो वही सिलेबस वो समझते हैं कि 10 से 11th वाला भी था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है सिलेबस, क्योंकि बच्चे को लगता है कि 9th का क्या था, फिर प्रश्न एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ लिया, 9th बहुत अच्छा हो गया, 10th में कोई लोड ही नहीं था। लेकिन 11th में क्या होता है, जब बच्चा आता है तो अचानक से सिलेबस इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि बच्चे को परेशानी आता है, वो समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या हमारे साथ। उसको ये समझने में 4 मंथ बीत जाता है। अगला 4 मंथ जब वो सोचता है कि अब सुधार करे, तब तक का बाकी का चैप्टर तो निकला हुआ है, पीछे का गोल है, तो आगे कुछ समझ में नहीं आता है। सिमिलरली बहुत सारे क्वेरीज थी सर कि बहुतों का 11th वीक रह गया है, एंड आपने मेंशन भी किया क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, लाइक डिस्ट्रैक्शंस भी है उसमें एक, बिल्कुल। फिर दूसरा है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, ये गांव में भी उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और जिस तरह का उनका टारगेट होता है कि जेईई और नीट क्रैक करे, बिल्कुल। तो सर, आप जैसे कि आप इंथुजियाज बैच लॉन्च तो कर रहे हैं जी, तो आप 11th बर्बाद हो या आपने बोल रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ाएंगे एक साल में ये सारी चीजें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में बहुत सारी डाउट होगी और बच्चे के मन में भी डाउट होगा कि सर 11th का और 12th का कोर्स एक साल में, ये तो 2 साल का कोर्स है, आप एक साल में कैसे करेंगे? तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग खूब आराम आराम से जब एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं तो 11th और 12th दोनों का कोर्स करने में हमें 350 घंटे लगते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाने में उसी तरह से सर फिजिक्स वाले को 350 घंटे, मैथ वाले सर को भी 350 घंटे, बायो वाले को भी 350 घंटे। आप समझिए, अभी हमारे पास अगर हम लोग 16 जनवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन पट्टा 16 जनवरी से 12th का बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम 11th और 12th बोर्ड की तैयारी के साथ जेईई और नीट दोनों प्रिपरेशन करा रहे हैं। अच्छा, तो सर 16 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा? तो आपका एग्जाम आएगा अप्रैल या मई में। मई में आता है एडवांस का और मई में होता है नीट का एग्जाम। मेरे पास टोटल टाइम है 15 मंथ, उसमें से हम 3 मंथ निकाल दिए रिवीजन के लिए बच्चा का। अच्छा, बचा क्या मेरे पास 12 मंथ। मेरे पास 365 दिन है, उस 365 दिन में मैंने 65 दिन और निकाल दिया कि जाओ तुम संडे को टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना। बच्चा मेरे पास कितने दिन? 300 दिन। एक क्लास मेरा मैथ का होता है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा फिजिक्स होता है, 1.5 घंटा का केमिस्ट्री होता है। डेली बच्चा सीखने में कितना टाइम देगा? 4.5 घंटा। 300 दिन गुणे 450 घंटा कितना होता है टोटल? 1350 घंटा। अगर हम खूब आराम से बैच में पढ़ाते हैं तो 350 घंटा एक सब्जेक्ट लगता है। अच्छा, तो तीनों सब्जेक्ट का मेरा लगता है 1050 घंटा 11th 12th पढ़ाने में। अच्छा, तो मेरे पास 1350 घंटे हैं और 1050 घंटा में मेरा पूरा कोर्स खत्म होगा, तब भी 300 घंटा मैं बचा रहा हूँ। तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया है सर, तभी पूरा कैलकुलेशन के साथ मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली, ऐसे नहीं हवा में बच्चे को बता दिया तुम्हारा मैं करा दूंगा, नहीं, लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारा प्रिपरेशन पूरी प्लानिंग के साथ कि कैसे तुम्हारा जेईई नीट के साथ साथ बोर्ड भी अच्छा हो। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें 50 में टॉप 50 में दिला दूंगा, टॉप 100 में दिला दूंगा, लेकिन हाँ, एक अच्छा रैंक आएगा 1000 के अंदर, 2000 के अंदर, 5000 के अंदर, तुम जितना मेहनत करोगे वैसा हम रैंक दिलाएंगे। अच्छा, मतलब आप बोर्ड भी कराएंगे एंड प्रॉपर जेईई एंड नीट का जो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई है वो भी आप कराइएगा? बिल्कुल, दोनों बोर्ड के साथ साथ जेईई और नीट का प्रॉपर जो भी पढ़ाई होगा उसके लिए। आपने मोशन पटना की अगर बात करें तो आप जिस भी अच्छे फैकल्टी के नाम ले ले, आपको मोशन पटना में मिलेगा। अच्छा, अच्छा सिस्टम मिलेगा, अच्छे फैकल्टी मिलेगा, अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, अच्छा टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको हर कुछ प्रॉपर
मोशन पटना में मिलेगा। ओके, तब तो सर आप बोल रहे हैं कि 11 12 दोनों साथ में करा देंगे। बिल्कुल। उसके बाद मैं सबसे बड़ा बात आपको बता दूं, मोशन पटना के लिए हम लोग इस साल से प्लानिंग किया गया। जैसे बच्चे पटना आते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन से कोई बच्चा उठ के आया, बच्चा रोड में चला गया, पार्क में घूमने चला गया, शुरू में तबियत खराब हो गया, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, पानी अच्छा नहीं मिल रहा, इसके लिए हम लोगों ने मोशन पटना में ये व्यवस्था किया है। इस बार एक ही बिल्डिंग में बच्चे को रहना, खाना, क्लास, पढ़ाई, डाउट, सब कुछ एक ही कैंपस मिलेगा। बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। रात को 12 बजे एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, उसको प्रॉब्लम आ गया, वो तो बैठ गया, बंद कर दिया। क्या अगले दिन डाउट क्लियर करेंगे तब तो आगे बढ़ेगा। मतलब 24x7 आप अवेलेबल। बिल्कुल। अच्छा, 24x7 हम अवेलेबल है बच्चे के साथ। हाँ, लेकिन बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, कोई बच्चा सोचेगा कि मोशन के पास मशीन है, जाएंगे आईटी और नीट मेरे को करा देगा, एमबीबीएस करा के निकालेगा, ऐसा कोई मशीन नहीं है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हम मेहनत करेंगे, जितना बच्चा मेहनत करे उससे दोगुना हम मेहनत करेंगे। हाँ, लेकिन बच्चा ये सोच कर रहा है कि हाँ सर मेरे को नीट और जेईई निकालना है तो हम आपके साथ हैं। बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि सर मैं आप मेहनत करने आ रहा हूं, मेरे को जेईई और नीट निकालना है, तो मैं बच्चे के साथ उससे दोगुना मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बच्चे को ये मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिल्कुल सर, आप 2 साल का प्रोग्राम आप 1 साल में कंप्लीट कराने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या आप जो 11 एंड 12 दोनों का फी आप एक ही साल में ले लेंगे? नहीं सर, ये सिर्फ हम 12th का फी लेंगे। अच्छा। और 12th के फी में 11th और 12th, देखिए मैं बता दूं पटना अपने बिहार के बारे में, देखिए बिहार के बच्चे मेहनती होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम वो बच्चे होते हैं, बिहार के लोग वो होते हैं जो पहाड़ काटकर रास्ता बनाना जानते हैं, तो ये आप जान लीजिए हमारे बिहार के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं। दूसरी बात, बिहार प्राइस सेंसिटिव होता है। बिल्कुल। यहाँ के बच्चों के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोशन सबसे सस्ता पढ़ाता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस पैसा में मैं पढ़ा रहा हूं हमसे बेटर कोई क्वालिटी नहीं दे सकता। अच्छा। ये मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूं। हाँ, सिर्फ 12th की फी में 11th और 12th दोनों कराऊंगा, सिर्फ 12th का फी में। ऐसा नहीं कि 11th 12th दोनों का फी लूंगा, 2 साल का फी लेकर मैं दोनों का सिलेबस कराऊंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 12th के फी में 11th और 12th दोनों कराऊंगा। एग्जैक्ट फी बता सकते हैं सर, रफली कितना होगा? एग्जैक्ट फी सर, इसके लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं। अच्छा। उसमें बच्चा 100% स्कॉलरशिप भी ले सकता है, बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो वो टेस्ट दे सकता है। टेस्ट का डेट 15 दिसंबर रहेगा। अच्छा। वो बच्चा आकर टेस्ट दे, उसमें स्कॉलरशिप गेन करेगा, जितना उसका स्कॉलरशिप होगा उसके अनुसार उसका फी होगा। अच्छा, मेरिट के हिसाब से फीस बनेगा। बिल्कुल। ओके, देखिए मैं ये मानता हूँ कि 100% 11 तो किसी का खराब नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर देखिए तो जेईई या नीट के सिलेबस में 55% 12th का वेटेज है और 45% 11th का वेटेज होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कोई बच्चा बहुत वीक होगा तो 45 में 10% तो अच्छा किया होगा। बिल्कुल, उतना तो बनता है सर। मिनिमम किसी का 30% भी अच्छा होगा। तो मेरा अगर 10% अच्छा है या 30% अच्छा है, 12th का 55% मेरे पास ऑप्शन बचा हुआ है। तो हम 12th को 55 पकड़े और इधर से मेरे को 11th से कुछ परसेंटेज अच्छा कर ले, तो मेरा क्वालिफाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जेई और नीट बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ बोर्ड के साथ। एक डिस्ट्रैक्शन है, एक और कारण होता है कि बैच के साइजेस बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तो उस वजह से भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती। कोई बहुत पीछे से पढ़ रहा है तो लेक्चर दिख ही नहीं रहा, या फॉन्ट बहुत छोटा है। बिल्कुल। तो आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके बैचेस के क्या साइजेस हैं? हमारे बच्चे के बैच के जो स्ट्रेंथ होंगे 80 बच्चे होंगे। 80। ओके, मतलब इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ प्रॉपरली। बिल्कुल। ओके, एंड बैच कब लॉन्च कर रहे हैं सर? ये 16 जनवरी 2025 को हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 11th और 12th दोनों कराएंगे। और कब तक ये बैचेस चलेंगे? कितने, मतलब ये बैच हम लोग लेके चलते हैं दिसंबर तक सिलेबस इसका पूरा दिसंबर तक कंप्लीट। 11 12 दोनों दोनों के साथ। बिल्कुल। बढ़िया सर, आप कंटिन्यू करिए मीटिंग एंड फर्निश करने की कोशिश करिए कि जितना अच्छा निकल कर आए स्टूडेंट के लिए। वाह, तब तक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिनके 11th वीक रह गए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल टू क्लियर ऑल बैकलॉग्स। बाकी पटना के कोचिंग रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब पटना लाइट।